सो व्यूअर्स, दिस इज द कड़ी पकौड़ा। ऐसी आपको थिकनेस चाहिए, ठीक है, और ऐसा टेंडर जब पकौड़ा चाहिए, ये जिससे आपको प्लेट की आवाज भी ना आए, और ऐसे करिए ना, ऐसे करिए। ऐसे आपको जूसी जूसी जब खाया जाए, ठीक है। फिंगर लिकिंग गुड है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है आपके? ठीक ठाक। मैं आपको हासिम बिन चट्टा फ्रॉम द चैनल लाइफ लिविंग एंड ट्रैवलिंग। तो मैंने लास्ट वीक जो पोलिंग की, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा लोगों ने मुझे ये बोला कि देसी खाने बनाओ ना, वलायती खाने कम बनाओ लेकिन देसी ज़्यादा बनाओ। तो मैं कहा चलो ठीक है, देसी खाने बनाते हैं, है भी पंजाबी मुंडा हूँ तो पाकिस्तानी ऊपर से, तो देसी खाने बनाते हैं इंशाल्लाह। तो फिर देसी खाने में मैं कि याद है, खाने में और लाइफ में जो है ना, एक चीज़ बहुत ज़्यादा कॉमन है, तो लाइफ भी अगर आप कॉम्प्लिकेटेड बनाओ तो बहुत ज़्यादा टफ हो जाती है, अगर आप इजी स्मूथ लेके चलो तो लाइफ से ज़्यादा मज़ेदार चीज़ ही कोई नहीं है। इसी तरह खाना है कि खाना जब आप कॉम्प्लिकेटेड बनाते हो ना, तो वो इतना बदमज़ा खाना बनता है कि आपका दिल ही नहीं करता खाने को। तो बस अब हर मैं खाने को ऐसे कह रहा हूँ, लेकिन एक रियलिटी है। और अगर उसी खाने को आप ईजीनेस के साथ एक सिंपल वे में बनाओ तो खाना बहुत मज़ेदार बनता है। इसमें मेरी ये जो खोपड़ी है, इसमें मेरे माइंड में बात आई जी कि आज हम फिर कड़ी बनाते हैं। अच्छा, एक और जो चीज़ है ना, इसको पकोड़े बनाने के लिए मैं ये जो छाछ है यही यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है, जिससे मैंने अपना वो बनाने हैं कड़ी, ठीक है। आप पानी में भी बना सकते हैं, लेकिन अगर इससे बनाएंगे तो ज़्यादा मज़ेदार बनेंगे। आपका मिक्सचर है ना, वो इस तरह से होना चाहिए, बिल्कुल ये इस तरह से, ठीक है। हो गए पकौड़े तैयार। अच्छा, अब कड़ी में अक्सर लोग ये बात कहते हैं जी कि हमारे पकौड़े जो हैं वो ऊपर से क्रंची क्रंची हैं, जैसे ये भी क्रंची क्रंची हैं, ठीक है, ये आवाज आ रही है, तो ये सॉफ्ट कैसे होंगे? अब उसका एक ही हल है, आपने ये पानी लिया और इसमें ये सारे के सारे जो पकौड़े जो है बीच में डाल दिए। तकरीबन 3 टेबल स्पून आपने जो है वो बेसन लिया, ठीक है, सॉरी 1.5 टीस्पून, और हल्दी, हल्दी तकरीबन 1 टीस्पून, या साथ में हम लोगों ने ये जो मिक्सचर है, जो छाछ है, वो बना लिया। ऐसा ऐसा बनाते ये हमारी जो है ये ऐसे आ गए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो व्यूअर्स, कड़ी बनाने के लिए मैंने ऑयल लिया, तकरीबन 3 से 4 टेबल स्पून मैंने ऑयल लिया, ठीक है। ये लहसुन और अदरक जो आपको दिखाया वो चॉप किया हुआ वो डाल दिया। लहसुन और अदरक 3 से 4 मिनट भूनने के बाद थोड़ा सा ये ब्राउन हो जाए, तो इसमें आपने जो है वो प्याज डाल देना। और जैसे ही प्याज इस तरह से हो जाए ना, प्याज के भुनने की आपको फ्रेग्रेंस आना शुरू हो जाए, तो तब आप जो है इसमें टमाटर ऐड कर दें, ठीक है। और टमाटर को आपने ज़्यादा नहीं वो करना, क्योंकि आपको पता है इस चीज़ का कि टमाटर को जब हम ज़्यादा भूनते हैं तो उसका मीठा फ्लेवर होता है, हमें चीज़ें चाहिए खट्टी खट्टी, इस वजह से आपने टमाटर को बस इतना कि थोड़ा सा ये स्वेट छोड़ जाए। तो इसके कंडीशन में आके जैसे आपने टमाटर डाल दिए थोड़ा सा फ्राई, तो तकरीबन 1 टेबल स्पून आपने धनिया पाउडर डाला, ठीक है, और थोड़ी सी आपने कलवंजी डाली, 2 से 3 डाले, क्योंकि आपको पता है कि मैं अपने हर खाने में कलवंजी डालता हूँ। कलवंजी के बारे में फरमाया गया कि उनका तो फरमान है कि कलवंजी में मौत के अलावा हर बीमारी की शिफा है। तो जब ये इस कंडीशन में आ रहे, तो आपने ये जो हम लोगों ने बनाया था जूस, सॉरी जूस का ये बेसन की जो कड़ी बनाई थी, वो आपने जो है इसमें वो डाल देनी है, साथ साथ जो है इसको हिलाते जाना। इधर आपने जो है ना हिलाने में जो है ना वो नहीं करनी, कसर नहीं छोड़नी, क्योंकि जो बेसन है वो फिर उसकी जो है वो जगह ऐसे ही हिलाते रहेंगे आप इसको ना, ठीक है। ये देखें व्यूअर्स, इसमें ना बॉयल आना शुरू हो गए हैं, ठीक है, ये बॉयल आना शुरू हो गए हैं। तो मेरी मदर जो बनाती हैं वो एटलीस्ट इसको 1 घंटे तक जो है ना वो रखती हैं ऐसे ना बॉयल होने के लिए, ताकि इसमें जो है ना प्रॉपर वो करें। अगर पानी कम है और आपको पानी ज़्यादा चाहिए तो थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करके तो इसको मज़ीद पकने दें।
सबसे पहले हम लोगों ने डाला ये जीरा, तीन से चार इसमें काली मिर्च, तीन से चार लौंग और बड़ी इलायची पत्ता और लाल मिर्च है वो। जैसे ही तड़का थोड़ा सा रेडी हुआ और इसमें हम लोगों ने ये जो है कड़ी पकौड़ा ऐसी आपको थिकनेस चाहिए, ठीक है, और ऐसा टेंडर जहाँ पकौड़ा चाहिए ये, जिससे आपको प्लेट की आवाज भी ना आए, और ऐसे करिए ना, ऐसे करिए आपको जूसी जूसी जहाँ खाया जाएगा, ठीक है।